नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा के साथ ही तैयारियों का दौर भी तेज हो गया है। चूंकि बिहार की आधी से ज्यादा आबादी वर्तमान समय में बाढ़ की चपेट में है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने आम जनजीवन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव का आयोजन चरणबद्ध तरीके से करवाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आयोग ने 11 चरणों में पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसी कड़ी में आज हम आपको राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव के 7वें चरण के आयोजन को लेकर सारी जानकारी साझा करने वाले हैं, जिसके तहत 7वें चरण का प्रपत्र 5 में प्रकाशन 18 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं 7वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जो कि 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यानी कि अगर आप भी 7वें चरण के नामांकन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का समय होगा, जिसके बाद बारी आएगी स्क्रूटनी की। 7वें चरण के स्क्रूटनी का काम 28 अक्टूबर को होने वाला है। वहीं अभ्यर्थियों के पास नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है, जिसके बाद इसी दिन प्रतीक आवंटन का काम किया जाएगा। वहीं मतदान 15 नवंबर को करवाई जाएगी और मतगणना 17-18 नवंबर को किया जाएगा। ये तो हो गई नामांकन से लेकर मतगणना तक की आधिकारिक जानकारी। अब आइए आपको बताते हैं कि 7वें चरण में किन किन प्रखंडों में पंचायत चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 7वें चरण में चक्की, चौगाई, अगियाव, संदेश, भगवानपुर, रामपुर, शिवसागर, चेनारी, फुलवारी शरीफ, दनियावा, पटना सदर, चंडी, नूरसराय, बोधगया, टनकुप्पा, ढोबी, वारसलीगंज, काशीचक, मदनपुर, मखदूमपुर, रिवीलगंज, जलालपुर, नगरा, गौरैया कोठी, बसंतपुर, कुचायकोट, भगवानपुर, गौरोल, कांटी, क्वांटी, मीनापुर, छोड़ादौना, संग्रामपुर, मेहसी, सिकटा, मैनाटांड, सुरसंड, परसौनी, बोरगिनिया, शिवहर, केवटी जाले, हरलाखी, मधवापुर, सराय रंजन, मौरवा, त्रिवेणीगंज, बनमा, इटहरी, बिहारीगंज, बहादुरगंज, कस्बा, जलालगढ़, अहमदाबाद, मनिहारी, फारबिसगंज, सूर्यगढ़ा शेष क्षेत्र, चेवारा, बेगूसराय, खगड़िया शेष क्षेत्र, जमालपुर, झांझा, रंगरा चौक, गोराडीह, शंभूगंज में वोटिंग होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव 11 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों, मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होना है। इस बार ईवीएम के अलावे बैलेट बॉक्स का भी इस्तेमाल होगा। इस बार 4 पद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी पदों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बार बिहार में बाढ़ होने के कारण बाढ़ प्रभावित जिलों में आखिरी चरण में मतदान होगा, जबकि जहां बाढ़ के हालात नहीं है वहां पर पहले मतदान करवाया जाएगा। ऐसे में 28 ऐसे जिले हैं जहां पहले चरण में मतदान नहीं होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में 10 जिलों में 12 प्रखंडों में चुनाव आयोजित करवाया जाना है। इसके साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।